2019 की बात है और मुझे माइक्रोसॉफ्ट में बोला गया कि अब GraphQL सीखो, GraphQL में काम करना है। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन जब कोई नई टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए बोले जाती है तो आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए? कई बार जॉब्स में और जॉब के पहले भी आपसे कहा जाता है कि अच्छा आपको जावा आता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट में काम होता है, यहाँ C++ में काम होता है और आपको एक नई चीज़ नए सिरे से सीखनी होती है, उस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विथ वाई। वाई समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी का। जैसे GraphQL को ही ले लीजिए, आखिर GraphQL क्यों बना, क्यों आया GraphQL दुनिया में, ऐसी क्या समस्या थी GraphQL के आने के पहले कि GraphQL का जन्म होना जरूरी था। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो आखिर क्या नेसेसिटी थी? तो GraphQL के बारे में जब मैंने समझा तो मुझे समझ में आया कि देखो फेसबुक जो है वो मोबाइल पर काफ़ी फोकस करता था, लेकिन APIs जो हैं वो जितना चाहिए उतना डेटा देती थी। इसको एक दूसरी तरह से समझाते हैं आपको कि जैसे एक होटल जाते हैं आप और वहाँ आप कहते हैं कि मुझे थाली दे दो, तो उस थाली में सब कुछ मिलता है आपको। थाली में आपको पापड़ भी मिलता है, अचार भी मिलता है, चोखा भी मिलता है, चटनी भी मिलता है, चावल भी मिलता है, दाल भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, ठीक है, थोड़ा सा सैलड भी मिलता है साइड में और एक स्वीट भी मिलता है। तो बहुत बढ़िया, ये तो पूरा का पूरा थाली मिल गया। जब मैंने वेज थाली मांगा मुझे वेज थाली मिला। तो आम तौर पर जो APIs होते थे वो ऐसे काम करते थे, उनको इस तरह से लिखा जाता था कि उसमें जितना चाहिए सारा डेटा आपको वापस भेज दिया जाता था। और अब फ्रंट एंड पे यानी कि मोबाइल डिवाइस पर या वेब डिवाइस पर ब्राउजर में ये चीज़ डिसाइड करता था डेवलपर कि ये जो इतना सारा आया है इसमें से मुझे क्या क्या खाना है। ठीक है, तो हो सकता है कि यार मुझे भूख कम हो, मैं थोड़ा सा दुबला पतला सा इंसान हूँ, मुझे उतनी भूख नहीं लगती, तो मैं बस रोटी और सब्जी खाकर छोड़ दूँ। इससे क्या होता है, फूड वेस्ट होता है ना, बहुत बुरा लगता है। उससे अच्छा उपाय क्या है कि आप बोलो कि यार मुझे दो रोटी दे दो और थोड़ा सा दाल दे दो और एक अचार दे दो और थोड़ी सी भुजिया दे दो और मेरा काम बढ़िया से हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो फूड वेस्टेज बचता है, दूसरा पैसे भी बचते हैं। जब यही सेम चीज़ आप ऑन द नेटवर्क देखते हो तो ही ये सेम चीज़ होती है। जब आप सारा डेटा एक बार मंगाते हो तो आपको बहुत सारा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। आप बोलोगे क्या कॉस्ट भैया? डेटा का कॉस्ट। हर बार जब आप बोलते हो कि यार मुझे यूज़र का डेटा चाहिए और आपको यूज़र का सारा डेटा एक बार में दे दिया जाता है तो उतना सब कुछ ओवर द नेटवर्क आता है, तो नेटवर्क में डेटा का कॉस्ट लगता है आपके यूज़र को। उतना ही नहीं होता, एक और चीज़ होती है, टाइम का कॉस्ट भी होता है। जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि बैंडविड्थ तो लिमिटेड होती है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉस्ट जो फेसबुक इनकर कर रहा था स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस पे, उसके लिए उसने सोचा कि यार कितना अच्छा होता अगर मैं थाली सिस्टम हटाकर एक ऐसा सिस्टम बना पाता जिसमें ऑर्डर करते हैं हम बैकएंड को, बोलते देखो मुझे ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो और ये भी दे दो, और मुझे यूज़र के अंदर यही 4-5 फील्ड्स चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका आधार कार्ड का नंबर चाहिए, उसका फ़ोटो चाहिए, और बाकी जो चाहिए वो मुझे अभी नहीं चाहिए, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं मांग लूँगा आपसे। तो बहुत अच्छा, क्यों ऐसा, इसकी और क्यों ज़रूरत पड़ गई? जब आप मोबाइल डिवाइस पे चीज़ें बनाते हो तो आपके पास छोटा सा स्क्रीन होता है, तो आपको कम चीज़ें दिखाने की ही जगह होती है, सब कुछ दिखाना नहीं होता। डेस्कटॉप पे इतना बड़ा स्क्रीन होता है तो आपको ज़्यादा जगह होता है, ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते हो आप, तो ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए डेस्कटॉप के जो APIs थे उनको जब आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते थे तो ये प्रॉब्लम आने लगी थी। इसको फेसबुक ने सॉल्व किया GraphQL बनाकर। अब जैसे मैं तुम्हें एक कहानी समझाई तो तुम्हें भी इंटरेस्ट आ गया कि यार GraphQL तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, अच्छा एक समस्या थी, समस्या का सलूशन आया। तो जब कुछ नया सीखना है तो पहले उसमें इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे यूज़र को, मेरे ऐप को, मेरे प्रोडक्ट को कैसे हेल्प करेगा, क्यों ये चीज़ मुझे चाहिए, क्यों ये टेक्नोलॉजी बढ़िया है। तो जब आप क्यों समझ जाते हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वाई, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाते हो। एक सेकेंड रुको, ये जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि मैं कैसे नई चीज़ें सीखता हूँ, क्या तुम्हें ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्या ऐसे वीडियोस और चाहिए, कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। तो अब आपको क्यों समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, डॉक्स उठाना है। डॉक्स क्या होता है, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फ्रेमवर्क है आज के टाइम पे या लाइब्रेरी है, सबके एक डॉक्स होते हैं। डॉक्स को आप ऐसे समझो कि जैसे आपके घर में कोई खिलौना आता है, उस खिलौने को असेंबल करने के लिए जब आप बच्चे थे एक कागज़ आता था कि step 1, step 2, step 3 ऐसे लगाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे करो, उसी तरह जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई फ्रेमवर्क, कोई लाइब्रेरी सीखने जाते हो तो उसका भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हम डॉक्स कहते हैं। और अगर आप डॉक्स पढ़ना सीख जाते हो तो आपको येन केन ट्यूटोरियल की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है, उसके बाद आपको यूट्यूब वीडियो बहुत सारी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डॉक्स से शुरू करते हैं, जब आप कुछ नया चीज़ सीखना शुरू करो आप देखो कि डॉक्स में क्या लिखा है, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको ट्राई करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिंटैक्स। एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहता हूँ कि सिंटैक्स ओवर सिमेंटिक्स,
पहले अगर तुम ये समझने जाओगे कि बड़ी बड़ी चीजें कैसे होती हैं, बड़ा बड़ा ऐप कैसे बनता है, तो फंस जाओगे। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप एकदम से पोयम तो नहीं लिख सकते हो। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स क्या हैं, पहले ग्रामर समझना चाहिए, उसके बाद बड़ा टाइम लगता है पोयम लिखने में। तो उसी तरह प्रोडक्शन ग्रेड सॉफ्टवेयर लिखने के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ता है। इसमें बहुत लोग अधीरजी आ जाते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, जल्दी हो जाता है कि अरे नहीं नहीं, धीरज खत्म हो जाता है उनका, धैर्य नहीं रहता, बोलते नहीं जल्दी करो। जो लोग ये जल्दी करते हैं कहते हैं कि हड़बड़ी का काम शैतान का। तो जो लोग जल्दी करते हैं उन लोगों के बेसिक्स नहीं बन पाते हैं, उन लोगों की स्किल डीप नहीं हो पाती है, उनको समझ में नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं जाकर ऐसी गलती करते हैं, ऐसा ऐप में प्रोडक्शन में ऐसा मिस्टेक मारेंगे, ऐसा बग डालेंगे कि फिर उनको 5-10 दिन प्रोडक्शन में लग ही जाना है। और जब आप प्रोडक्शन में ये गलती करते हो तो आपका यूजर भी फंसता है आपके साथ साथ, और आपका रेप्यूटेशन भी खराब होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब कुछ नया सीख रहे हो तो बेसिक्स पे, सिंटैक्स पे ढेर सारा टाइम स्पेंड करो। पहले समझो चीजों को कि क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। सेकंड चीज जो करनी है वो ये करनी है कि डॉक्स पढ़ने हैं, और डॉक्स पढ़ के सिंटैक्स प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। अब जब सिंटैक्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तुमने, अब तुम्हें सिंटैक्स को एक सुर में, लय में लाना है कि तुम्हें सिंटैक्स समझ में आ रहा है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। जितने भी मैं कोर्सेज बनाता हूँ, चाहे वो इनवैक्ट में हो या नियोजी में, इस चीज का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि पहले बच्चे सिंटैक्स से खूब खेल लें, और उसके बाद उसको अप्लाई करना भी खूब सारा सीख जाए, उसको प्रोजेक्ट में बनाना सीख जाए। क्योंकि ये जो लर्निंग होती है, जब आप एप्लीकेशन करते हो, जब आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी देखते हो, तो एप्लीकेशन वाली लर्निंग बहुत अच्छी लर्निंग होती है, उससे आप बहुत अच्छा सीखते हो। तो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में क्या करना पड़ता है, आप अब जो आप नया चीज सीख रहे हो, आपने सिंटैक्स थोड़ा सिंटैक्स में हार्ड बैठ गया, तो आप एक ऐप बनाओ। जैसे GraphQL के टाइम भी मैंने यही किया। GraphQL में मैं गया, मैंने एक रीडिंग लिस्ट ऐप बनाई, वो अभी भी गिटहब पे पड़ा है, ज्यादा लोग उसको देखते भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बट किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ना। मैंने उसको अपने सीखने के लिए बनाया था, मैंने गिटहब पे डाल दिया था इसलिए ताकि वो यहां वहां ना हो जाए। इतने साल बाद भी अभी मैं जब GraphQL के बारे में सोच रहा था ये वीडियो बनाने के, तो मैं उस ऐप को दोबारा देखा, मुझे ध्यान आ गया कि अच्छा मैंने कैसे कैसे क्या किया था, और मुझे सारे का सारा अपना एक्सपीरियंस एक बार वापस रिवाइज हो गया। तो इसलिए इस एक टाइम मशीन भी बन जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप सीख रहे हो उसके लिए एक ट्यूटोरियल से एक ढंग का ऐप बना लो, और कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप नहीं जरूरी है। ऐसा ऐप होना चाहिए जिससे आपके बेसिक सिंटैक्स जो है प्रैक्टिस हो जाए, एंड दे फॉल इनटू अ प्लेस। एक छोटा सा एक मॉडल बना लेने से और उसको होस्ट कर लेने से आपको एंड टू एंड समझ में आता है कि ठीक है, अब मुझे डॉग समझ में आ गया, अब मुझे वाई भी समझ में आ गया, अब मुझे सिंटैक्स भी समझ में आ गया, अब मुझे सिंटैक्स को यूज करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना कोहेसिवली एक ऐप में, वो भी आ गया। जब ये 3-4 चीजें हो जाती हैं और जब आपका ऐप होस्ट हो जाता है, तो आपको बड़ा संतोष लगता है मन के अंदर कि अरे चलो मैंने सीख लिया है। इसके बाद अगला लेवल आता है प्रोडक्शन के लिए रेडी होना। अब हमारे पास है समय कम, इसलिए वो वाली बात मैं आज नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट में मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आपको सही में प्रोडक्शन में भी कैसे अच्छा करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए। देखो अगला पार्ट आएगा अगर तुम कमेंट करोगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा अगला पार्ट आया या नहीं? तुम अगर लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, सारे बटन नहीं दबाओगे, तो यूट्यूब शायद तुम्हें अगला एपिसोड ना दिखाए।